फ्रेंड्स घर में आते आते सबके घरों में मटके आ जाते हैं। कोई किसी के पास पुराना रखा होता है, कोई नया लेके आता है। नए की तो खैर बात ही अलग है। अगर किसी के पास पुराना मटका रखा है, और पुराना मटका क्या होता है, जनरली पानी ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करता, तो पुराने मटके को बिल्कुल नए मटके जैसे ठंडा पानी करता है। उसके लिए एक ये ट्रिक है कि आपके पास कोई स्क्रब होगा जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल नया स्क्रबर यूज़ किया है। इससे क्या होता है, ये थोड़ा इसकी जो परत होती है उस पर से खुरदरी होती है और स्क्रबर की, और इससे जब हम इसको रगड़ते हैं तो जो इसके पोर्स होते हैं मटके के, जो बंद पोर्स पड़े रहते हैं, वो खुल जाते हैं। खुलने से उनमें अंदर से अच्छे से ऑक्सीजन जा पाएगा, जिस वजह से पानी फिर से ठंडा होने लगेगा। यही ट्रिक आपको अंदर भी करनी है। अंदर मटके में अच्छे से रगड़ देना है, और रगड़ने के बाद इसको थोड़ा सा, उसके बाद फिर इसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद भी आपको मटका ऐसे ही एक मिनट तक स्क्रबर करना है। उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश करके पानी से इसको भर लेना है। ये आपको रोज नहीं करना है, सिर्फ एक दो महीने में एक बार कर लीजिए, दो महीने में, डेढ़ महीने में, जब आपको लगे कि पानी ठंडा कम होने लग गया है हमारे मटके में। अब सच में यकीन मानिए, एक बार इस ट्रिक को करके देखिए। जो लोग मटका यूज़ करते हैं, पानी बिल्कुल ठंडा होने लग जाता है दोबारा से। और मैं करती क्या हूँ, मैं मटके को रात में ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि रात भर में वो भरपूर ठंडा हो जाता है और फिर दिन भर हम उसका पानी पीते हैं। और इसको भरने के साथ साथ मैं इसमें एक काम और करती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। ये जो मिट्टी के दीपक है, ये बिल्कुल अनयूज दीपक है, मैं इसमें डाल दूँगी। इनके डालने से जो एक मिट्टी की खुशबू आती है, जैसे मटका बिल्कुल नया मटका लेके आते हैं मार्केट से, बिल्कुल कोरा मटका बोलते हैं, उसकी खुशबू आती है जो हम पानी पीते हैं तीन चार दिन तक, इसमें बिल्कुल सेम वही खुशबू आएगी और वही फीलिंग आएगी कि हम बिल्कुल नए मटके का पानी पी रहे हैं। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, और अगर आपको नए मटके की फीलिंग चाहिए तो आप ज़रूर करिए, अदरवाइज इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के बाद यहाँ मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको पानी में अच्छे से भिगो लिया, और भिगोने के बाद इस मटके को मैं कवर कर दूँगी। इसमें जो ठंडक रहेगी वो अंदर ही लॉक हो जाएगी। तो ये ट्रिक आप एक बार करिएगा ज़रूर, और फिर मुझसे शेयर करिएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।